अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैदुर्रहमान है और मैं ये इधर VM आर्ट गैलरी में एक महीने से रेजिडेंसी प्रोग्राम में था, जिसकी कि थीम है IRL इन रियल लाइफ, जिसमें कि मैंने कुछ एक्सपेरिमेंटल दो आर्ट वर्क्स एक्सपेरिमेंटल आर्ट वर्क्स बनाए हैं, जो कि दोनों टेक्निक्स वो म्यूरल ही हैं, म्यूरल पेंटिंग्स ही हैं। एक उसमें से 3D एनामॉर्फिक म्यूरल है और एक नॉर्मल म्यूरल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि और उनके बारे में बताता हूँ आर्टवर्क के बारे में कि उनमें मैंने क्या एक्सप्लोर किया है और उनमें क्या है एक्चुअली। तो पहला आर्टवर्क है मेरा जिसकी के थीम है लेट्स प्ले, जो कि हमारे इसमें मैंने एक्सप्लोर किया है कि किस तरह से मोड्स ऑफ प्ले या फन या इंटरटेनमेंट जो है वो किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, स्पेशली जब से टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन हुई है हमारी ज़िंदगियों में, तकरीबन आखिरी 10 सालों में या 12 सालों में किस तरह से टेक्नोलॉजी ने ओवरटेक कर लिया है। तो इसमें पहला आर्टवर्क जो है वो हमारा इसी चीज़ को एड्रेस कर रहा है कि जो बच्चों में मैंने नोटिस किया है कि स्क्रीन यूजेज या बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और वो अपनी फ़न या प्ले एक्टिविटीज़ के लिए कितना ज़्यादा रिलायंट हो गए हैं स्क्रीन्स पे, रादर देन के वो बाहर जाएं या फिज़िकल एक्टिविटी में किसी इन्वॉल्व हों। तो ये जो आर्टवर्क है बेसिकली ये है तो 3D एनामॉर्फिक आर्टवर्क, लेकिन रेजिडेंसी में मैंने इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया है तो इसमें एक डायमेंशन और ऐड की है, जो कि इसको पाकिस्तान का पहला 4D आर्टवर्क बना देता है, जिसकी मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि ये आप मेरी एप्लीकेशन के थ्रू इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसमें द 4D एस्पेक्ट जो है इसका वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप इसको आर्टवर्क को यहाँ आकर गैलरी में आकर या इवन अपने घर से अगर आप देखना चाहें तो मेरी एप्लीकेशन के थ्रू जब आप इसे देखेंगे तो इसके सर्टेन एलिमेंट्स जो हैं वो एनिमेट हो जाएंगे, जो कि मैंने पहले पेंट किए हैं, और फिर ये एक म्यूरल एनिमेशन है या 4D आर्टवर्क है पाकिस्तान का पहला ना। तो ये इसमें एक एड ऑन है जो कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया है इस रेजिडेंसी में। मैं आपको दूसरा आर्टवर्क दिखाता हूँ अपना, जो कि अगेन मेरा दूसरा आर्टवर्क जो है वो भी अगेन हमारी जो स्क्रीन एडिक्शन या स्क्रीन यूजेज है अब ज़्यादा होता जा रहा है उसको एड्रेस कर रहा है। जिस तरह के हमारे छोटे होते हम एक सेइंग सुनते थे कि एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, तो उसी की एक इंटरप्रिटेशन है या आर्टवर्क या उसके बारे में एक स्टेटमेंट है मेरा आर्टवर्क। जैसे कि अब हम कोविड की वजह से हम बहुत ज़्यादा टाइम आजकल स्क्रीन्स पे स्पेंड कर रहे हैं अपना, तो उस चीज़ को बेसिकली एड्रेस कर रहा है कि हर दूसरे दिन या हर कुछ टाइम बाद एक नया ट्रेंड या एक नई चीज़ आती है जिसको लोग बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के बग़ैर किसी तस्दीक के फॉलो करने लग जाते हैं, ये नहीं सोचते कि उसमें कोई अच्छाई है या बुराई है, बस उसको क्योंकि सब कर रहे होते हैं तो उसको फॉलो करते हैं। तो ये आर्टवर्क बेसिकली अगेन ये एक म्यूरल है जो कि आपको इस तरह नज़र आ रहा है, लेकिन ये अगेन एक इसमें भी एक इंटरवेंशन है, ये एक एनिमेटेड म्यूरल है। जब आप इसको मेरी एप्लीकेशन के थ्रू फ़ोन से देखेंगे तो इसकी जो स्टेटमेंट है मेरी मैं आपको दिखाता हूँ वो आपको नज़र आएगी, ठीक है। ये मेरी इस तरह से आपको नज़र आएगा जब आप एप्लीकेशन के थ्रू देखेंगे। तो बेसिकली जो स्टेटमेंट है वो ये है कि फॉलो वाइजली, कि क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा टाइम अपना जो है स्क्रीन्स पे स्पेंड करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं हमारी नज़रों के सामने से गुजर रही होती हैं तो नॉट नेसेसरली हमारे लिए अच्छी हों, तो उसके लिए बेसिकली एक ये स्टेटमेंट है कि आप ज़रूर फॉलो करें बट चीज़ों को ट्रेंड्स को, बट थोड़ा सा समझ के उनको फॉलो करें। तो ये इस तरह आप मेरे आर्टवर्क्स को अगर आप आना चाहें गैलरी में आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारा शो है, ये ओपन है नेक्स्ट मंडे 23 नवंबर तक, जो कि मंडे है, तो आप इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं आके ख़ुद इनकी एनिमेशंस, और ये आप चेक कर सकते हैं अपने डिवाइसेस के थ्रू, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप गैलरी स्पेस में हैं तो यहाँ पे एक QR कोड है जिसे आप स्कैन कर सकते हैं और इसके थ्रू आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये आर्टवर्क को आप एंजॉय कर सकते हैं।